बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन नंबर 14 है, ओवर कोट। गुलाम अब्बास का लिखा हुआ ये लेसन है। बहुत ये अफसाना है, ये जो महरूम तबका है उसकी महरूमी के बारे में लिखा हुआ है। एक नौजवान है, उसका नाम भी पूरे लेसन में कहीं मेंशन नहीं है, क्या उसका नाम था। तो ये लाहौर का एक मार रोड है, वहाँ पर चल रहा है। मार रोड से डेवस रोड और फिर चैरिंग क्रॉस, ये तीनों जगहों के नाम हैं। वहाँ होता हुआ उसने जो ओवर कोट पहना हुआ है, ओवर कोट के नीचे शर्ट भी नहीं है, बस सिर्फ ओवर कोट के नीचे एक उसने स्वेटर पहना हुआ है। स्वेटर के नीचे बुनियान है, बुनियान में भी बहुत से सुराख हैं। और ये रोड पे चल रहा है, बहुत सारी दुकानों पे खड़ा होता है। एक पान वाला बच्चा है, वो बेच रहा है पान और सिगरेट वगैरह बेच रहा है। उसको आवाज़ देता है, कहता है कि मेरी तरफ आओ, उससे कुछ चीज़ें लेता है। फिर और एक कारपेट की शॉप है, वहाँ जाके खड़ा होता है। म्यूज़िक की शॉप है, वहाँ खड़ा होता है। सर्दियों की रातें हैं, रात का टाइम है, शाम का टाइम है। तो आखिर एक शादी एक जोड़ा होता है, एक लड़का और एक लड़की, उसके पीछे जाता है, उनकी बातें सुनना चाहता है कि वो क्या कहते हैं। तो उनके पीछे जब जा रहा होता है, अपने ख्यालों में गुम होता है, पीछे से एक ईंटों का ट्रक आता है, वो उसको मार देता है। वो ईंटों का ट्रक कुचल के उसको चला जाता है। जब उसको अस्पताल में ले जाया जाता है, तो उसके कपड़े जब उतारे जाते हैं, तो उसकी हकीकत सामने आती है। बज़ाहिर तो वो बड़ा ग्रोम्ड था, वेल ग्रोम्ड था, बड़ा खूबसूरत दिखाई देता था। टांगे वाले भी उसकी तरफ आ जाते थे, टैक्सी वाले भी, कार वाले भी आ जाते थे। तो ये जो महरूम तबके की महरूमियाँ होती हैं, लोग अपने मसाइल को, अपनी परेशानियों को ना पॉलिश कर लेते हैं अपने आप को छुपाने के लिए ना। तो वही गुलाम अब्बास ने लिखा है कि इसका और भी एक आर्टिकल है, कतबा। तो ये महरूम तबके की महरूमियों को लिखता है। ये दो हमारे अदीब हैं, अहमद नदीम कासमी, गॉड बी प्रेज्ड वाले लेसन में उसने भी महरूम तबके की महरूमी को बयान किया। और ये जो गुलाम अब्बास वाला लेसन है, इसमें भी जो ओवर कोट है, इसमें भी महरूम तबका, जो गरीब लोग हैं जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, वो अपनी मजबूरियों को, अपने मसाइल को छुपाने के लिए वो नमूद व नुमाइश से काम लेते हैं। तो ये मुख्तसर सा इसका समरी थी, इसके खुलासा था। अब हम इसको रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। One evening in a January, well-groomed young man having walked up Davis Road to the mall turned to Charing Cross. एक जनवरी की एक शाम को एक बना ठना, well-groomed मतलब बना ठना, एक खुश पाश नौजवान आदमी, जनवरी की एक शाम को एक खुश पाश नौजवान आदमी having walked up Davis Road to the mall road. Davis Road से मार रोड की तरफ चल के आया, टू चैरिंग क्रॉस, चैरिंग क्रॉस की तरफ चला गया। ये तीनों जगहों के नाम है, मार रोड, डेविस रोड और चैरिंग क्रॉस की तरफ चला गया। हिज हेयर वाज स्लीक, उसके बाल मुलायम थे, स्लीक मना मुलायम, सिल्कन सॉफ्ट, उसके बाल मुलायम थे, एंड शाइनिंग और चमकदार थे, उसके बाल मुलायम और चमकदार थे। एंड ही वोर साइड बर्नस, और उसने कलमें रखी हुई थी, साइड बर्न मीन साइड विस्कर, उसने कलमें रखी हुई थी, बालों की जो कलमें होती हैं उसने कलमें रखी हुई थी। हिज थिन मास्टिक, ये लफ्ज़ मास्टिक है, मास्टिक माना मूछ है, उसकी पतली मूछ है, सीम टू हैव बीन ड्रॉन विद अ पेंसिल, ऐसे दिखाई देता था जैसे पेंसिल से इनको बनाया गया हो। उसकी पतली मूछें ऐसे दिखाई देता था जैसे इनको पेंसिल से बनाया गया हो। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवर कोट, उसने भूरे रंग का ओवर कोट पहना हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट आता है और पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवर कोट, ओवर कोट का कलर क्या था। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला यही पॉइंट है कि ओवर कोट का कलर क्या था, रेड था, वाइट था, ब्लू था, ब्राउन था, तो ब्राउन था। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवर कोट, उसने भूरे रंग का ओवर कोट पहना हुआ था, विद ए क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज, जिसमें आधा खिला हुआ बादामी रंग का गुलाब का फूल था। इन हिज बटन होल, बटन के सुराख में, एंड अ ग्रीन फ्लैट, ये फ्लैट लफ्ज है, और एक सब्ज टोपी, दैट विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल, जो उसने तिरछे जाविये से पहनी हुई थी, एक चौड़ी टोपी जो उसने तिरछे जाविये से पहनी हुई थी। अ वाइट सिल्क स्कार्फ वॉज नॉटेड एट हिज नेक, एक सफ़ेद रेशम का गुलूबंद, स्कार्फ माना गुलूबंद, एक सफ़ेद रेशम का गुलूबंद भी उसकी गर्दन से बंधा हुआ था। वन ऑफ हिज हैंड्स वॉज स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट ऑफ हिज ओवर कोट, एक हाथ उसका ओवर कोट की जेब में था। देखें ये अमूमन ये इस तरह के पॉइंट्स आते हैं, वन ऑफ हिज हैंड्स वॉज लिखा हुआ है ना आगे, ऑब्जेक्टिव में इस तरह करेक्ट यूज वर्ब में जो पाँच नंबर का सवाल आता है ना वर्ब का, उसमें यह पॉइंट आ सकता है। वन ऑफ हिज हैंड्स वॉज, देखिए वाज लिखा हुआ हैड्स के साथ तो वर आता है, लेकिन हमने जो मेन सब्जेक्ट है उसको देखना है, वो वन है। उसका एक हाथ
उसकी जेब की कोट में था, वाइल इन अदर, जबकि दूसरा हाथ, दूसरे हाथ में ही हेल्ड, होल्ड की दूसरी फॉर्म हेल्ड होती है, अ शॉर्ट पॉलिश्ड कैन, एक छोटी सी शॉर्ट पॉलिश्ड कैन, छोटी सी साफ सुथरी छड़ी उसने पकड़ी हुई थी, विच एवर नाउ एंड देन, नाउ एंड देन कभी कभार, ये इडियम है, मुहावरा है, जो उसने कभी कभार ही ट्वर्ल्ड जेंटली, उस घुमाता था, स्पिन करता था, ट्वर्ल्ड स्पिन करता था जेंटली, खुशी से, मेयरली हैप्पीली ग्लैडली, खुशी से उसको वो घुमाता था। इट वॉज ए सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर, मौसम सरमा के दरमियान में हफ्ते की एक शाम थी। द शार्प ऐसी गस्ट से, तेज़ हवा के, ठंडे हवा के झोंके, गस्ट से माना झोंके, ठंडे हवा के झोंके, अवेंट ठंडे हवा के झोंके, स्ट्रक लाइक स्टील, स्ट्रक लाइक स्टील, वो स्टील माना लूहा, लूहे की तरह उससे टकराते थे। बट द यंग मैन सीम टू इम्यून, लेकिन नौजवान उनसे अनइन्फ्लुएंस्ड टू देम, उनसे मुतासर होता हुआ नहीं दिखाई देता था, लेकिन नौजवान उनसे मुतासर नहीं हो रहा था, इम्यून का मतलब अफेक्टेड, वो उनसे मुतासर होता हुआ दिखाई नहीं देता था। सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली, जबकि दूसरे लोग आहिस्ता ऐसा चल रहे थे, टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, जबकि दूसरे लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए चल रहे थे, ही वॉज एम्बलिंग, वो उछल रहा था, उछलना कूदना चलना चहलकदमी करना, वॉन्डरिंग ही रोमिंग, आर ओ एम रोमिंग, एम्बलिंग का सेमनिम रोमिंग है, ही वॉज एम्बलिंग अलॉन्ग, ऑब्वियसली वो उछल कूद रहा था वाज़े तौर पर, जैंग हिज प्रोमिनेड, अपनी चहलकदमी से लुत्फ़ उठा रहा था, इन द बिटर कोल्ड, सख्त सर्दी में, सख्त सर्दी में अपनी चहलकदमी से लुत्फ़ उठा रहा था, ही लुक्ड सच अ डैंडी, वो ऐसा बानका, वो ऐसा डैंडी मना शांटी, डैंडी मना बोल्ड, यानी वो ऐसा बांका दिखाई देता था, दैट के टांगे वाला, उसके टांगे वाला, अनकैचिंग साइट ऑफ हिम, उसको देखकर वो इस तरह का बांका दिखाई देता था, इस तरह का बना ठना दिखाई देता था कि टांगे वाले उसको देखकर, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हत्ता के एक फासले से, विप्ड अप दियर हॉर्सेस, वो अपने घोड़ों को कोड़ा लगा के उसकी तरफ आते थे, एंड रेस टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ आ जाते थे, वो इस तरह का बांका दिखाई देता था कि टांगे वाले भी अपने घोड़ों को चाबुक लगा के उसकी तरफ चले आते थे, विद अ वेव ऑफ हिज स्टिक, अपनी छड़ी के इशारे से, ही टर्न देम अवे, वो उनको दूर भगा देता था। हाँ, यानी जब टांगे वाले उसकी तरफ आते थे ना, वो बना ठहरा दिखाई देता था नौजवान जो था ना, लेकिन वो अपनी छड़ी के इशारे से, वेव का वैसे मतलब लहर होता है, यहाँ मानी करेंगे जेस्चर, इशारा, हिंट, वो अपनी छड़ी के इशारे से उनको दूर भगा देता था। अ टैक्सी आल्सो ड्रू नियर हिम, टैक्सी भी उसके करीब आ जाती थी, एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंगली, और ड्राइवर उसके साथ सवालिया निगाहों से देखता था। ही टू वाज टर्न्ड ऑफ, उसको भी दूर भगा दिया जाता था, दिस टाइम विद अ नो थैंक यू, इस वक्त वो नहीं शुक्रिया के साथ कहता था ना, यानी टांगे वाले को तो छड़ी के इशारे से दूर भगा देता था, लेकिन जब कोई टैक्सी आ जाती थी तो उनको बस ऐसे जबान से बोल जाता था, नो थैंक यू, नहीं आपका शुक्रिया। यानी एट द इवनिंग एडवांस्ड, एज द इवनिंग एडवांस, जो ही शाम हुई, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, सर्दी ज़्यादा शदीद हो गई, इट वॉज कोल्ड इंड्यूस्ड, ये सर्दी थी जिसने लोगों को रागब किया टू सी कम्फर्ट एंड प्लेयर, कि वो सुकून तलाश करें इस चहलकदमी में, इस खुशी में सुकून तलाश करें। एट सच टाइम, इस अवकात में, इट वॉज नॉट ओनली द प्रॉफ्लिगेट, सिर्फ फजूल खर्च लोग नहीं थे, प्रॉफ्लिगेट मना स्पेंड थ्रेफ्ट एक्स्ट्राविगेंट, सिर्फ फजूल खर्च ही नहीं थे, हु रैंगड अब्रॉड, जो घूम फिर रहे थे बाहर, एंड सो पीपल, रैंगड माना भी ये तो रोम होता है, जो घूम फिर रहे थे बाहर, एंड सो पीपल कन्वर्जड, लोग जमा हो गए ऑन द माल, माल रोड पर जमा हो गए, वेयर दे अज्यूम दैम सेल, जहाँ उसने अपने आप को महसूस किया, अमां द वैराइटी ऑफ होटल, मुख्तलिफ होटलों से अपने आप को, मुख्तलिफ होटलों से, रेस्टोरेंट से, कैफेज एंड स्नैक बॉल्स, और मशरूबात की और चाय या मशरूबात की दुकानों पर अपने आप को महसूस किया। ईच गॉट टू हिज मीन्स, हर बंदा अपने ज़राए के मुताबिक। दोज़ हू कुड नॉट अफोर्ड द प्लेयर्स इनसाइड, जो लोग खुशियों को अंदर मुहैया नहीं कर सकते थे, यानी दुकानों के या रेस्टोरेंट्स कैफे और स्नैक बार के अंदर जाके वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी दोज़ हू कुड नॉट अफोर्ड द प्लेयर्स इनसाइड, जो अंदर खुशियाँ से लुत्फ नहीं उठा सकते थे, वर कंटेंट, उन्होंने कनात किया, टू गेज एट द कलर्ड लाइट्स एंड ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट्स आउटसाइड, उन्होंने
रोशनियों और शानदार इश्तहारबाजियों को बहर ही देखने पर तैनात किया। अप एंड डाउन द मेन रोड, बड़े सड़क के हर तरफ, देयर वाज एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, ना ख़त्म होने वाली कारों की एक लाइन थी, बसेस, बसों की, टांगों की, एंड साइकिल और साइकिलों की, रोड, बड़े रोड के हर तरफ ना ख़त्म होने वाली कारों, बसों, टांगा और साइकिलों की लाइन थी, साइकिलों की कतार थी। वाइल द पेवमेंट थ्रॉग्ड द पेवमेंट थ्रॉग्ड विद पेडेस्ट्रियन, जबकि पक डंडियाँ पैदल चलने वालों से भरी हुई थी, जबकि पक डंडियाँ पैदल चलने वालों से भरी हुई थी। द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच, नौजवान आदमी सीमेंट के बेंच पर बैठा हुआ था, वाज वॉचिंग विद इंटरेस्ट, बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था, नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा हुआ था, बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। द पीपल पासिंग ऑन द पेवमेंट बिफोर हिम, लोग जो पगडंडियों के पर उसके आगे गुजर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम वर वेयरिंग ओवरकोट्स, बहुत से लोगों ने ओवरकोट पहने हुए थे, विच वर ऑफ एवरी काइंड फ्राम एस्ट्राखन टू रफ मिल्ट्री खाकी, जो एस्ट्राखन किस्म से लेके फौजी खाकी रंग के कोट थे, लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये कोट पहने हुए थे। सच एज आर फाउंड, जिनको देखा जा सकता है, लार्ज बंडल, बड़े बड़े गट्ठू में, एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप, लंडे की दुकानों पर, जिनको बड़े बड़े गट्ठू में देखा जा सकता है, यानी लोगों ने हर किस्म के कोट पहने हुए थे, जो कि एस्ट्राखन कंपनी से लेके, एस्ट्राखन किस्म के कोटों से ले, कोट से लेके फौजी खाकी यूनिफॉर्म, खाकी कोटों तक मौजूद थे उधर। द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग वाज ओल्ड, नौजवान ने जो बगात खुद कोट पहना हुआ था, बड़ा पुराना था, बट इट वाज वेल, लेकिन ये बहुत अच्छा था, वेल कट, अच्छी तरह काटा हुआ था, एंड मटीरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, और इसका मवाद, इसका जो मटीरियल था वो भी अच्छे मियार का था। द लैप्स वर सटिफ, इसके जो कॉलर था, लैप्स, इसकी जो लैप्स थी वो सख्त थी, एंड सलीव्स वेल क्रीज्ड, और इसकी जो आस्तीनें थी उनको अच्छी तरह काटा गया था। द बटन वर ऑफ हॉर्न, सींग के बटन थे, बिग एंड शाइनी, बड़े और चमकदार थे। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, नौजवान इसमें बड़ा खुश दिखाई देता था, इन नौजवान ने जो कोट पहना हुआ था वो बड़ा चमकदार था, उसके बड़े बटन थे, बटन थे उसके, सींग के बटन थे, ये हाथी दांत के बटन होते हैं, या ये सींग के जो जिस तरह होता है हिरन होता है, उसके सींग के बटन होते हैं। अब वो है सेलिंग पान एंड सिगरेट विद अ ट्रे ऑफ हिज वायर्स पास्ट बाय, एक लड़का जो पान और सिगरेट बेच रहा था, अपने साथ सामान एक तश्तरी में अपने सामान को रख के उसके करीब से गुजरा। पान वाला, अरे पान वाले, यस सर, जी जनाब, यानी इसने बुलाया, कहता है पान वाला, वो जो लड़का सामान लेके जा रहा था, यस सर, जी हाँ, हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपी नोट, क्या आपके पास 10 रुपये के नोट की रेगजार है, यानी 10 रुपये आपके पास चेंज है, यानी रेगजार है, 10 रुपये का एक नोट था उसके पास, यानी वो एक एक नोट लेना चाहता था। नो सर, नहीं, बट आई शैल गेट इट फॉर यू, लेकिन मैं आपके लिए इंतज़ाम कर लूँगा।